हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल ब्रोली। मेरा नाम है शाहरुख। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से सब पेजेस बनाते हैं। सब पेजेस या फिर आप उन्हें चाइल्ड पेजेस भी कर सकते हैं। तो चाइल्ड पेजेस और सब पेजेस कोई अलग बात नहीं होती, वो भी एक सिंपल पेजेस की तरह होता है। तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है जो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं पेजेस पे जाकर, यहाँ पर मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद एज यूजल हम यहाँ पर पेज का टाइटल दे देंगे। मैं यहाँ पर टाइटल देता हूँ सब पेज वन। थोड़ा सा यहाँ पर डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जाकर आपको पब्लिश कर देना है। ये हमारा पेज हो गया अभी पब्लिश। अभी हम देखते हैं कि इसको सब पेज कैसे बनाए। तो सब पेज बनाने के लिए यहाँ पर आपको पेज पे क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल जान करना है पेज। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पेज एट्रीब्यूट। ये देखो ऊपर नीचे भी होता है। उसके बाद में यहाँ पर पेरेंट पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कौन सा पेज पेरेंट बनाना है वो देखना है। तो मुझे यहाँ पर मैं अभी अबाउट अस पेज को पेरेंट बनाता हूँ। एक मैंने कर दिया क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर जाकर आपको अपडेट कर देना है। तो हमारा एक पेज, एक सब पेज बन चुका है। उसके बाद में मैं और दो पेजेस बना लेता हूँ। सब पेज ऐड न्यू सब पेज टू डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद में पेज में जाकर आपको इसका पेरेंट बनाना है फिर से अबाउट अस। अबाउट अस का मैंने पेरेंट बना दिया इसका। इसके बाद इसको मैं पब्लिश करता हूँ। देखिए ये भी हमारा पेज पब्लिश हो चुका है। फिर से मैं एक तीसरा पेज ले लेता हूँ। इसका नाम दे दूंगा मैं सब पेज थ्री। उसके बाद में डमी टेक्स्ट। फिर उसके बाद में पेज में जाकर पेज एट्रीब्यूट और पेज पेरेंट पेज अबाउट अस। ये हमारा हो गया थर्ड पेज भी पब्लिश। अभी आपको बता देता हूँ कि हमारा होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके अबाउट अस पे होवर करने के बाद में यहाँ पर किसी तरह का ड्रॉप डाउन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जाता हूँ मैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद में मैं यहाँ पर जाता हूँ फिर से मेन्यूज पे। मेन्यूज पे जाने के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेरेंट क्लास है अबाउट अस, और उसके थोड़ा सा राइट साइड में स्पेस देकर सब पेज वन, सब पेज टू, सब पेज थ्री ऐसा दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इन तीनों को कर देता हूँ ऐड टू मेन्यू। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो ये तीन पेजेस आ चुके हैं, सब पेज वन, सब पेज टू, सब पेज थ्री। तो मुझे सब पेज वन मुझे ऊपर चाहिए, लेकिन किसके सब उसका पेरेंट कौन है अबाउट अस। तो यहाँ पर जाके मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, थोड़ा सा राइट साइड में लूंगा इसको ताकि वो ड्रॉप डाउन में आ सके, वरना वो कंटिन्यूसली उसी के साथ में आ जाएगा। ये होगा सब पेज टू और ये सब पेज थ्री। उसके बाद में यहाँ पर आपको कर देना है सेव मेन्यू पे क्लिक। तो यहाँ पर हमारा मेन्यू और सब पेजेस यहाँ पर सेव हो चुके हैं। अभी जाकर इसे रिफ्रेश करते हैं। कंट्रोल F5 से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से सिंपल रिफ्रेश कर सकते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर अबाउट अस के थोड़ा सा राइट साइड में डाउन एरो का सिंबल भी आ चुका हो, और जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिखाई देंगे जो कि हमारे सब पेज वन, सब पेज टू और सब पेज थ्री की थी। तो देखिए दोस्त, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सब पेज वन पे, तो यहाँ पे URL चेंज हो चुका है हमारा सब पेज वन। तो इसका पेरेंट है अबाउट अस। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा मेन डोमेन है माई प्रोजेक्ट। उसके बाद में माई प्रोजेक्ट में अबाउट अस नाम का एक पेज है, और उसके अबाउट अस के अंदर एक और चाइल्ड पेज है कि उसका नाम है सब पेज वन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।